आपली बस चालक को लूटने का प्रयास करना दो लुटेरों को महंगा पड़ा। जब दोनों घटना को अंजाम देते समय सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। एक आरोपी को अपराध शाखा पुलिस ने दबोच लिया है, जबकि उसके साथी की सरगर्मी से तलाश जारी है। लकड़गंज थाने में प्रकरण दर्ज, आरोपी राजेश भरत साहू डिप्टी सिग्नल निवासी को गिरफ्तार किया गया है। फरार आरोपी रोशन वंजारी लकड़गंज निवासी है। 20 जुलाई को सुबह आरोपियों ने डिप्टी सिग्नल रेलवे क्रॉसिंग के पास आपले बस के सामने बाइक खड़ी की और बस को रोका। पश्चात बस की कैबिन में घुसकर चालक सुरेश ठाकरे को खींचकर बस से नीचे उतारा और मारपीट कर चाकू की नोक पर उससे रुपए छीनने का प्रयास किया। यह देखकर बस से यात्री भी नीचे उतरे तो कहीं यात्री पिटाई न कर दे, इस डर से दोनों आरोपी भाग खड़े हुए। यह घटना मार्ग में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। चालक की शिकायत पर लकड़गंज थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। दिनांक 20/7/21 रोजी अंदाजे 8:30 सुमारास आपली बस पारडी येथून निघून बर्डीकडे जात असताना डिप्टी सिग्नलजवळ त्या टू व्हीलरवरती दोन इसम येऊन त्यांनी गाडी बस थांबवली आणि ड्रायव्हरला शिवीगाळ करून त्याच्या खिशात हात टाकून पैसे काढण्याचा प्रयत्न केला। परंतु बसमध्ये जे पॅसेंजर होते ते खाली उतरले आणि त्यांनी आरडाओरडा केला, त्याच्यामुळे ते तिथून पळून गेले। ह्याच्यावरून पोलीस स्टेशन लकडगंज येथे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। जांच के दौरान अपराध शाखा के यूनिट क्रमांक 3 की टीम ने आरोपियों का बाइक नंबर के आधार पर पता ठिकाना ढूंढ निकाला और राजेश शाहू को दबोच लिया। उसे लकड़गंज पुलिस के सुपुर्द किया गया। जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।